फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फाइव पार्ट दे रखे हैं, बारी बारी से करेंगे सबको। कि नीचे कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि वो सही है या गलत है, और उसके बाद उसका रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट में क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसका मतलब क्या है, एंगल ए और बी चाहे कुछ भी हो, वो साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा। चलिए इसको चेक करके देखते हैं, वैसे पॉसिबल नहीं है। रीजन में पहले लिख देता हूँ, फॉल्स है ये। पहले तो फॉल्स आंसर बता दिया इसका। अब फॉल्स क्यों, देखिए अगर आप वैन आपने क्या ले लिया, ए इज इक्वल टू आपने ले लिया मान लीजिए 60 ले लिया, और बी ले लिया आपने ले लिया 30, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू निकालेंगे। अगर इक्वल आ गया तो सही है, वरना तो नहीं है। देखिए साइन, पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी, साइन ए प्लस बी यानी कि 60 प्लस 30, यही तो है साइन ए प्लस बी। 60 प्लस 30 क्या बन जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमने 60 और 30 लिया तो ये पता चला कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आती 1। अब राइट हैंड साइड को देखिए उसका क्या आता है, राइट हैंड साइड आपकी साइन ए प्लस साइन बी, ये है यहाँ साइन ए। साइन ए यानी कि साइन 60 प्लस साइन बी यानी कि साइन 30। अब साइन 60 जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, साइन 60 रूट 3/2, और साइन 30 किसके इक्वल होता है आपका 1/2 के। दोनों को जब ऐड करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ क्या बनेगा, रूट 3+1। तो क्या ये बराबर आए, एलएचएस और आरएचएस बराबर हैं क्या, बराबर नहीं आए, और इसीलिए क्या आपका, ये मैंने ऊपर क्या लिख दिया है, फॉल्स लिखा है, ये क्या आपका फॉल्स है जो दे रखा है स्टेटमेंट दे रखिए, फॉल्स है। तो ये आपका है फर्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। क्या ये सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। कैसे है, देखिए मान लीजिए देखिए मैं यहाँ पे टेबल ना, तो थीटा है या आपका क्या है साइन थीटा है, इन वैल्यूज को रख के देखते हैं। देखिए साइन जीरो पे थीटा, जब आपका थीटा जीरो है और ये आपका है साइन जीरो, क्या जाएगा, जीरो जाएगा। जब थीटा आपका 30 हो गया है तो साइन थीटा कितना होता है, 30 पे 1/2 होता है। 45 पे साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 है। उसके बाद 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3/2 है। उसके बाद 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। यानी इधर आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है, साथ में साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। तो क्या आपका ये ट्रू है, तो इट इज क्लियर फ्रॉम द, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल एज थीटा इंक्रीजेज, एज थीटा इंक्रीजेज साइन थीटा आल्सो इंक्रीजेज, उसके साथ साथ साइन थीटा की वैल्यू क्या आपकी इंक्रीज हो रही है। इसे नेक्स्ट भी ऐसे ही कोस थीटा का दे रखा है। थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सेकंड की तरह कि कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टेबल को देखिए, थीटा जब जीरो है कोस 0 1, 30 है √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2, और 90 पे कितना, 0। यहाँ थीटा इंक्रीज हो रहा है लेकिन कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आंसर फॉल्स है, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट कोस थीटा डज नॉट इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। थीटा तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन कोस थीटा यहाँ पे आप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सभी वैल्यूज के लिए साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं, फॉल्स है भी। क्यों, देखिए इन टेबल को देखिए, साइन 0 0 यहाँ, कोस 0 क्या है 1, यहाँ साइन 30 1/2,
और cos 30 क्या आपका रूट 3/2, 45 पे इक्वल है दोनों बस, cos 45 पे sin भी 1/√2 और cos भी 1/√2 है, बाकी कहीं पर भी इक्वल नहीं है, तो फॉल्स है। क्यों? बिकॉज इट इज ट्रू ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री पे तो इक्वल है, बाकी कहीं पर भी दोनों इक्वल नहीं है। तो इस ढंग से आपका वही है फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इसका, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ट्रू है भी। कैसे? देखिए, आपने फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री लिया, टेनेंट ए जो है, टेनेंट लेता हूँ निकालना, कोट का मैंने टेनेंट लिया है, टेनेंट ए क्या बनेगा आपका, ए कितना ले रखा 0, क्या होगा टेनेंट 0 डिग्री, तो टेंजेंट 0 किस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है आपका 0 के इक्वल होता है, इसलिए सो कोट ए जो है वो किसके इक्वल होता है आपका 1/tan A के होता है, 1/tan A, टेंजेंट ए आपका किसके इक्वल है 0 के, और 1/0 तो क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड, ये तो आपका क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो यही कहा था कि कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या आपका ये ट्रू है। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।